हेलो बच्चों बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के अलग अलग प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के एक प्रकार संयोजन अभिक्रिया को समझने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए मुझे जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें देखिए, सबसे पहले ये है मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे आप अनबुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और साथ में यहाँ पर बीकर में मेरे पास पानी है यानी कि H2O। हम इस अनबुझे हुए चूने को पानी में डालते हैं और देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा। ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, देखें क्या हो रहा है इसमें। देखते हैं, ये तो मुझे थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है, इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक गर्माहट मैं महसूस कर रही हूँ उसमें। देखते हैं इस विलयन में जो हमें प्राप्त हुआ है इसके तापमान में कितना परिवर्तन हुआ है। पर इसके लिए सबसे पहले मुझे जो हमने पानी यानी कि H2O लिया था, तापमान कितना था यह देखना होगा। इसके लिए ये मेरे पास सादा पानी रखा हुआ है, ये है थर्मामीटर, इसका तापमान हम देख लेते हैं। देखिए ये तापमान मुझे प्राप्त हो रहा है 23 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो विलयन हमें मिला है इसका तापमान नोट करना होगा। ये तापमान दिखाई दे रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। विलयन का तापमान हमें 30 डिग्री सेल्सियस मिला है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन हुआ है। जब कैल्शियम ऑक्साइड H2O से क्रिया कर रहा है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है, और इस नए उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है जो कि हमें इस विलयन में तापमान में बढ़े हुए के रूप में दिखाई दे रहा है। इस रासायनिक अभिक्रिया का जो रासायनिक समीकरण है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं।